आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी के स्टॉक में फ्राइडे को भी हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी कमजोर लग रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में ये गिरावट है ये थम सकती है। इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, यानी एक तरह से कहे तो विंड सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। पिछले 3 से 4 साल में विंड पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, लगातार बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर से बाहर निकल रहे थे, नए इन्वेस्टर आ ही नहीं रहे थे। इसके पीछे वजह थी सरकार की तरफ से जो एक डिसीजन लिया गया था वो एक तरह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, यानी कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। और अब वो है जो डिसीजन वो वापस ले लिया गया है, यानी फैसला पलट दिया गया है और अब जो नया निर्णय लिया गया है वो सबके लिए हितकारक होगा। तो आने वाले समय में इस सेक्टर में फिर से नया निवेश भी आएगा और लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। तो आने वाले समय में ये समझ लो कि गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। तो ऐसे में सुजलोन एनर्जी जो फिलहाल अपने भविष्य को आगे कैसे लेके जाना है वो उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लगातार गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल हो रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है और ऐसे में यह एक तरह से इनके लिए एक जीवनदान साबित हो सकता है। तो क्या है वो डिसीजन, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ गए जून महीने के, जो बहुत ज़्यादा कुछ इशारा करते हैं। क्या है वो इशारा, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या वाकई में सुजलोन एनर्जी में हमें इस समय निकल जाना चाहिए या फिर यही मौका है जब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक हमारे लिए एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को ये डुबा देगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.35 पर, लो बना 6.20 का और हाई है 6.50 का, लेकिन अंत में क्लोजिंग 6.30 पर रही, यानी लगभग थर्सडे की क्लोजिंग के आसपास ही है। मामूली सी गिरावट हुई है, लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम काफ़ी दिन से लगातार अच्छा ही बन रहा है। एनएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4,58,45,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,43,41,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 31.28% है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें हम एक महीने के हिसाब से, तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को फिर से 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है, मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 दिन आंकड़े बताए भी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे है रिटेल इन्वेस्टर का डर। यहाँ पे सिर्फ बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस समय कर रहे हैं और आने वाले समय ये आपको दिखाई भी देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने जो ई रिजर्व ऑक्शन बिडिंग थी उसको अब वापस ले लिया है, यानी एक तरह से विंड सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। 2017 से गवर्नमेंट ने ई रिजर्व ऑक्शन बिडिंग लगाई थी और तब से अगर देखें तो जो विंड सेक्टर की जो अंदर जो संभावना थी वो धीरे धीरे नील होती गई और जो इसकी जो ग्रोथ थी वो सिंगल डिजिट में आ गई। कोई भी नए इंडस्ट्रीज इसमें आने को इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं थे क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो जो हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट एग्री हो चुकी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व ऑक्शन बिडिंग को बंद करने जा रहे हैं और जो पुरानी प्रक्रिया उसको फिर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी इंदु शेखर चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार ने ये अपनी तरफ से माना है कि एक तरह से ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देती है ये प्रक्रिया और इसीलिए इसको हम बंद करने जा रहे हैं और आने वाले समय में फिर से पुरानी प्रक्रिया के तहत ही आगे इसकी बिडिंग होगी ताकि फिर से लोगों का रुझान बढ़े, विंड एनर्जी सेक्टर में नए लोग आए एंट्री हो, नए कॉरपोरेट घराने भी यहाँ पे एंट्री करें। तो एक तरह से देखें तो ये जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी वो बिडिंग प्रक्रिया को बंद किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया गया है। अब वापस सिंगल रूट बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो एक तरह से हेल्दी कंपटीशन के लिए बढ़ावा देगी और आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत सारे लोग नई एंट्री भी करेंगे। बहुत सारे कॉरपोरेट घराने जो विंड एनर्जी सेक्टर में आना चाहते थे लेकिन इस बिडिंग प्रक्रिया की वजह से इसको अवॉइड करते थे, अब वो आने लगेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस पावर सेक्टर में और प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। लगातार बहुत सारे नए आजकल आप देखोगे तो लगातार कोलैबोरेशन भी हो रहे हैं और बहुत सारे बिजनेस के अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से भी 2 बिड लाई जा रही है, आपने देखा ही होगा तमिलनाडु और गुजरात के लिए, हो सकता है उसका फ़ायदा सुजलोन को भी मिले क्योंकि सुजलोन इस सेक्टर में बहुत पुरानी कंपनी है और ऊपर से गवर्नमेंट की पूरी रहमो करम है उसके ऊपर। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में
सुजला एनर्जी में आपको बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके कारोबार में और इसकी प्रकृति में भी आपको चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा। वैसे अगर आप देखोगे तो सुजला एनर्जी का कारोबार सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में, और स्पेशली इनके पास मेंटेनेंस का कामकाज है, लाइफ टाइम मेंटेनेंस दे दिया कंपनी, और इस वजह से अगर कहीं पर भी ये एक अपना प्रोजेक्ट लगा रहे थे उसके बाद में वहाँ पे हमेशा के लिए उनका कामकाज शुरू हो सकता है, वहाँ से उनको रिवेन्यू अर्न होता रहता है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस छोटे से स्टॉक में कमाई की संभावना तो बन रही है, और गिरावट यहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही बाजार पॉजिटिव होगा तो तेजी के साथ स्टॉक आगे जा सकता है। लेकिन एक बार फिर भी कहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इस स्टॉक से दूर ही रहे, उन्होंने बार बार बोला, आज ही नहीं बोला है, कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय डेफिनेटली ये बहुत ही शानदार आपको रिटर्न दे सकता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब 2008 में बाजार क्रैश हुआ उसके पहले ये 400 के ऊपर ट्रेड करता था, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस था, लेकिन बाजार गिरने की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया, अब आने वाले समय में फिर से शानदार रिटर्न देने की संभावना बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग बाहर निकल रहे, यानी बड़े फंड हाउस हो, चाहे FI हो, DI हो, प्रमोटर सब चले गए और सिर्फ यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर रह गए, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होती है, क्योंकि हमारे पास 30 जून का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से हमारे पास म्यूचुअल फंड की डिटेल जानकारी आ चुकी है। आप देखोगे यहाँ पे तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 1.94 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 0.66% की होल्डिंग ली हुई है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी 1.65 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। और यहाँ पे देखो तो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 0.95 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.65% की होल्डिंग ली है। फिर ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.05% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में आप देखोगे तो ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.04% की होल्डिंग ली है। तो एक बात तो आपको ये पता ही होगी कि कोई भी म्यूचुअल फंड पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपने देखे होंगे, लेकिन सुजलन एनर्जी में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि ICICI प्रू ने किया है, कोटक ने किया है, मोतीलाल ओसवाल ने किया। इसका मतलब यह है कि उनको भरोसा है कि स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। तो जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लगातार अच्छा मेंटेन रखा हुआ, इस बार म्यूचुअल फंड का और होल्डिंग बढ़ी है, तो इससे तो एक बात साफ जाहिर हो रही है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, और ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी इनको हेल्प मिल रही है। इनके जो टोटल इनके जो बैंकों का कर्ज था वो भी अब गवर्नमेंट ने एक तरह से अपने ऊपर ले लिया है और पूरी तरह से इसको टेंशन फ्री कर दिया है सुजलन को, तो फिर इसमें हमें दाव क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों ये स्टॉक आगे जाके एक मल्टीबैगर नहीं बनेगा, क्योंकि खुद सरकार का अपना जो गोल है 2030 तक 500 GW को इंस्टॉलेशन करवाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, तो वो तो पूरा करने के लिए सुजलन का साथ तो चाहिए, तो ऐसे में ये कंपनी के डूबने की कोई संभावना नहीं है। और जिस सेक्टर को सरकार को उनकी मदद की जरूरत होती है वहाँ पे सरकार मदद करती है, तो ऐसे में आने वाले समय सुजलन में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जो FI है पिछले कई दिनों से लगातार जो बिकवाली कर रहे थे अब वो भी खरीदारी के ऊपर आ गए। आप देखोगे तो 5 जुलाई को उन्होंने 1295 करोड़ की खरीदारी की थी, उसके बाद में उनकी बिकवाली हुई है, लेकिन आप देखोगे तो 14 जुलाई को यानी थर्सडे के दिन फिर से इन्होंने 309 करोड़ की खरीदारी की है। फ्राइडे को भले उनकी 1,659 करोड़ की बिकवाली हुई, लेकिन आप देख सकते हो कि आंकड़े ग्रीन होने लगे, ये पिछले 4-5 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई है, तो आने वाले समय बाजार में पॉजिटिव माहौल तो बनेगा ही बनेगा। अब क्वार्टर वन भी आने वाला है, मुझे लगता है इस बार क्वार्टर वन शानदार रह सकता है, कंपनी की तरफ से इस बार अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया जा सकता है, तो फिर तेजी की संभावना तो बिल्कुल बनेगी। अगर आपका नजरिया सुजलन में लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल डरे नहीं, ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।